दूसरा है परमिसिव पेरेंटिंग ये पेरेंट्स होते हैं जो तुम्हें सब फ्रीडम है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो कपड़े नहीं चेंज करने तो मत करो नहाना है तो नहीं नहाओ खाना है तो नहीं खाओ टोटली अदर एक्सट्रीम तीसरा है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग मतलब क्या कि अपने आप बच्चा पढ़ रहा है कुछ भी मतलब वो हम गुजराती में कहते हैं मास्तर मारे भी नहीं भड़ा भी नहीं मतलब उनको आप करेक्ट भी नहीं करते उनको सुधारते भी नहीं हो और उनको कुछ भी नहीं करते हो अपने आप ही ये जो ये वो होते हैं जिनकी मदर्स को मेंटल हेल्थ इश्यू होता है जो खुद बीमारियों से जो बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं और जो सबसे बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल उसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं जिसमें अच्छा मिक्स है मतलब आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हो आप बच्चे को क्या करना नहीं करना सिखा रहे हो पर बिना मारे पीटे बिना माई वे और हाई वे करे बच्चे को इन्वॉल्व करो कि हम ये क्यों कर रहे हैं तुम्हें पता है हमें क्यों ब्रश करना चाहिए और कहीं ना कहीं बैलेंस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत घुसे रहो तो मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ में एक बैलेंस ढूंढो रहो कोई भी एक्सट्रीम स्टाइल नहीं क्योंकि पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई कोई फिक्स रूल ही नहीं है आपका एक बच्चे के साथ जो चला वो दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा